हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि जो है वो उसे समझाने की पूरी पूरी कोशिश करती है रश्मि को, और अंत में कहती है कि आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो, तो मेरा अब कुछ भी कहना सही नहीं होगा। बस ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं कुछ ऐसा करने पे मजबूर हो जाऊं, जिससे तुम्हें भी पछतावा हो और मुझे भी। रश्मि सृष्टि की तरफ देखती और कहती है, ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात, मैं कोशिश करूंगी। प्रॉमिस तो नहीं कर रही बट कोशिश करूंगी। तो कहती है कि चलो तुम कोशिश ही कर लो, मेरे लिए वही बड़ी बात है, तुम कोशिश ही कर लो, मैं सोचूंगी तुमने मेरा मान रख लिया, मेरे मोहब्बत की लाज रख ली, ठीक है, तुम कोशिश करो बस। तो ये कह के सृष्टि कहती है कि चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ क्लिनिक, अगर तुम्हारा जाने का मन नहीं है तुम भाई को मना कर दो। तो रश्मि बोलते हैं, नहीं मना नहीं करूँगी, बहुत दिनों बाद आए हैं और अब तक इतने सालों में पहली बार उन्होंने इस तरह कुछ प्लान किया, तो मुझे जाना चाहिए। ये कह के वो खुद को फ्रेशन अप करती है, फ्रेशन अप होके आती है तो सृष्टि वहाँ से उठ के जा रही होती है, तभी रश्मि सृष्टि का हाथ पकड़ती है और कहती है, ब्रेकफास्ट तो कर लो। सृष्टि कहती है, भूख नहीं है। तो रश्मि कहती है कि मैंने भी कुछ नहीं खाया, नहीं खाओगे तो मैं भी कुछ खा नहीं पाऊंगी। और ये कह के वो एक बाइट अपने हाथों से रश्मि को खिलाती है, सॉरी सृष्टि को खिलाती है। सृष्टि की आंखें भर जाती हैं और वो रश्मि को गले से लगा लेती है और कहती है, प्लीज़ मेरा साथ दो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये सारी सिचुएशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और रश्मि, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं होते ना, मैं तुम्हें इतना सब कुछ करने के लिए कभी नहीं कहती। रश्मि कहती है, समझ गई मैं, और अब ये रोना बंद करो, तुम रोती हुई नहीं अच्छी लगती। कहती, अच्छा तो कैसे अच्छी लगती हो वो भी बता दो फिर। कहती है, हंसती हुई, मुझसे लड़ती हुई, मुझे समझाती हुई, बट रोती हुई तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, आइंदा रोना मत, तुम रोती हो तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। तो सृष्टि कहती है, तो रुलाया ही मत करो ना, मेरी बात पहले ही समझ जाया करो, तो इतनी प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन तब तो तुम्हें कुछ समझना नहीं होता, तब तो तुम्हें सिर्फ अपने मन की करनी होती है,
हमेशा मुझसे लड़ना झगड़ना रहता है, तो और क्या करूं मैं। थोड़ी देर और बातें करके फिर वहाँ से सृष्टि चली जाती है उसे बाय बोल के, और अपना ध्यान रखने के लिए कह के। इधर थोड़ी देर बाद जय आता है, वो रश्मि को देखता है कि तैयार हुई होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है, तो आगे कहता है क्या बात है, आज तो कयामत ढा रही हो तुम। कहती है ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई कयामत वयामत नहीं ढा रही हूँ, बस आपको ऐसा लग रहा है। तो कहता है मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मेरी नज़रों से देखो तब पता चले ना तुम्हें, अब तुम अपनी नज़रों से देखोगे तो कहाँ समझ में आएगा। तो वो चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। तुझे कहता है चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ, जाता है फ्रेश होके आता है। फिर ये लोग जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ मूवीज़ वगैरह देखते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, देर रात को घर पे आते हैं। इतनी देर में तो सृष्टि का भी हाल बुरा रहता है, ये सोच सोच के कि जय क्या कर रहा होगा, सही से पेश आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें उसके भी दिमाग में चल रही होती हैं। आखिर प्यार तो वो भी करती ही है ना, तो ऑब्वियसली चलेगी, तो उसके वो भी परेशानी हो रही होती है ना, वो फ़ोन कर सकती है ना वो पूछ सकती है। सबसे बड़ी दुविधा तो इसी बात की है कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। खैर देर रात जब जाए और रश्मि लौट के आते हैं, तब जाके कहीं सृष्टि को चैन मिलता है, और जय कहता है कि मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, रश्मि बस एक कफ कॉफ़ी बना देना यार। तो सृष्टि कहती है कि भैया मैं बना देती हूँ ना, तो कहता है नहीं तुम क्यों बना दोगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रश्मि बना देगी। तुम अभी तक सोई नहीं, अभी तक जग रही हो, सब ठीक है ना। तो कहती है हाँ भैया सब ठीक है, बस आप लोग आए नहीं थे इसीलिए इंतज़ार कर रही थी। अच्छा बच्चे सो गए, हाँ बच्चे सो गए, चलो ये तो अच्छी बात है कि बच्चे सो गए, वैसे ठीक थे ना दोनों। हाँ कह रहे थे कि हमें तो कहीं नहीं घुमाने ले जाते। तुझे कहता है चलो कल छुट्टी है, एक काम करते हैं हम सब कहीं घूमने चलते हैं। क्यों रश्मि कैसा रहेगा? तो रश्मि कहती है नहीं मुझे नहीं जाना है, मेरे जो है तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज ही घूम घूम के थक चुकी हूँ। अरे बच्चों के लिए तो चलो। तो फिर रश्मि कुछ नहीं कहती, कहती है कि ठीक है बात बच्चों की है तो चलेंगे। वो कॉफ़ी लेके फिर जाती है, सृष्टि रश्मि से बात नहीं कर पाती। बाकी के कुछ दिन फिर ऐसे ही बीतते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट डे लोग घूमने चले जाते हैं बच्चों के साथ, और आने वाले दिन का जो ऑफिस में जाता है लेकिन जल्दी वापस आ जाता है, एक आध घंटे ऑफिस में बिता कर जल्दी से जल्दी वो घर वापस आ जाता है। ये सब देख के रश्मि परेशान हो रही होती है क्योंकि सृष्टि से बात करने का मौका नहीं मिल रहा होता उसे। सृष्टि रश्मि की बेचैनी को बहुत अच्छे से समझ रही होती है, और इस बेचैनी के चलते रश्मि बच्चों पे चाहते हुए भी ध्यान नहीं दे पा रही होती, क्योंकि शायद जब दिमाग ठीक नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते, चाहे कोई हमारे लिए कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, चाहे हम उसे कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन हम दूर भागने लगते हैं। तो शायद यही रश्मि के साथ हो रहा होगा,
हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, उसी तरह रश्मि भी शायद अलग थी। पैनिक सिचुएशन उसे हैंडल करनी नहीं आती होगी, तो बच्चों पे भी नहीं ध्यान दे पा रही होती है, सृष्टि से भी कटी कटी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जो भी टाइम मिलता है उसी में कभी दोनों के बीच ढंग से बात नहीं हो रही होती। इधर जय भी अब रश्मि के क्लोज आने की बार बार कोशिश कर रहा होता है, और रश्मि कोई ना कोई बहाना दे के उसे टाल रही होती है, जिससे अब जय को रश्मि पर डाउट होने लगता है, और वो सृष्टि और रश्मि को ऑब्जर्व करने लगता है। इस बात का एहसास रश्मि को अच्छे से सृष्टि को अच्छे से हो जाता है कि जय को कुछ ना कुछ भनक लग गई है, तो वो भी जो है इस बात का ख्याल रखती है, एक दो दिन और देखती है, और रश्मि के बिहेवियर में जब कोई चेंजेस नहीं आता समझाने के बाद भी, तो अंत में सृष्टि एक फैसला करती है। वो एक दिन ऑफिस से आती है, मतलब अपने क्लिनिक से आती है, और जय ऑफिस से आता है, तो तीनों बैठे हुए होते हैं, बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, तो सृष्टि कहती है कि खाना खा लें, तो रश्मि कहती है आज इतनी जल्दी, तो कहती है हाँ, और मुझे आप सबसे एक बात भी करनी है, तो खाना खा लेते हैं उसके बाद करते हैं। तो रश्मि कहती है बताओ क्या बात करनी है, तो जय कहता है उसे भूख लगी होगी ना, तभी खाने के लिए कह रही है, खाना लगा लो, बच्चों का भी टाइम हो रहा है खाने का। तो रश्मि जाकर खाना लगाती है, सृष्टि उसकी हेल्प कराती है। रश्मि बार बार सृष्टि की तरफ देख रही होती है, लेकिन सृष्टि उस पर एक भी नज़र नहीं डालती, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही होती है। ये बात रश्मि को बहुत चुभ रही होती है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, और जय इन दोनों को देख रहा होता है, लेकिन सृष्टि उसे एक भी मौका नहीं देती उसका शक सही साबित करने के लिए। तो खाना पीना होता है, बच्चों को खाना खिलाया जाता है, फिर बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं, अपना थोड़ी देर खेलते हैं, पढ़ते हैं, और फिर सो जाते हैं। बच्चों के सोने के बाद सृष्टि रश्मि और जय को बैठाती है और कहती है कि मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो जय कहता है हाँ बोलो सृष्टि, कहती है भैया मेरा क्लिनिक यहाँ से मुझे दूर पड़ता है, तो मैं शिफ्ट हो रही हूँ। ये बात रश्मि को बहुत बुरी तरह घायल कर देती है, वो अंदर ही अंदर एकदम तड़प उठती है, कुछ कहना चाह रही होती है, लेकिन जय को सामने देख वो कह नहीं पा रही होती। तो जय कहता है ऐसे सडन, कहती है हाँ, और कल सुबह ही मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ, मैंने जो अपने फ्रेंड्स को बुला लिया है, और कुछ शिफ्टिंग वालों से कांटेक्ट किया है, वो शिफ्ट करवा देंगे, वैसे भी इतना कुछ है नहीं, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद उन लोगों की, मैं और मेरे दोस्त ही कर लेंगे। तुमने फ्लैट वगैरह देख लिया है? हाँ भैया वो सब मैंने देख लिया है, सब मैनेज कर लिया है, तो कोई तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो सृष्टि कहते हैं, रश्मि कहती है इतना बड़ा फैसला कर लिया और हम लोगों से पूछा तक नहीं, और इस घर में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है रहने में? नहीं रश्मि ऐसी कोई बात नहीं है, रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो जय कहता एक सेकेंड सृष्टि, तुम रश्मि को कब से रश्मि कहने लगी? भाभी है ना वो तुम्हारी, और तुम नाम ले रही हो, भाभी क्यों नहीं बोल रही हो? तो सृष्टि चुप रहती है, तो रश्मि कहती है मैंने ही मना किया है, हम दोनों हम उम्र हैं, इवन मैं मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो मुझे भाभी बोलते हैं, तो ये बात मैंने तो आपसे पहले भी कही है। तो फिर जय ज़्यादा तूल नहीं देता, और रश्मि ने यह बात पहले भी कही होती है, तो वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। सृष्टि कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सच में यहाँ से अप डाउन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरा शिफ्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो रश्मि कहती है ऐसा कुछ नहीं कर रही हो तुम यहीं रहोगी, समझ में आ गई तुम्हें ये बात? और इससे ज़्यादा मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ तुमसे, ज़्यादा इस बात को लेके बहस ना ही हो हम दोनों के बीच तो ज़्यादा अच्छा है।
तो सृष्टि कहती है आप समझ क्यों नहीं रही हैं, मेरी भी तो प्रॉब्लम समझिए। तो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने बोल दिया ना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो तो मतलब नहीं जा रही हो, और अगर यहाँ से गई तो तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। तो सृष्टि जय की तरफ देखने लगती है और जय रश्मि को घूर के देख रहा होता है। जय को अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है रश्मि के इस बिहेवियर पे। वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये चल क्या रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है या मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, आज के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी कल सुनते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।